हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाई हूँ जो कि अंगूठे वाली सॉक्स का है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं रेड और पीला कलर का उल यूज की हूँ और 4 प्लाई, और इसके लिए मैं 9 नंबर की सिलाई ली हूँ। तो आप लोग इसे 9 और 10 कोई भी सिलाई लेकर इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सिंपल फंदे डालकर सिंपल फंदे 51 फंदे डाली हूँ और फिर एक उल्टा और एक सीधा का बॉर्डर इसमें बनाई हूँ। तो आप लोग बॉर्डर में यहाँ पर कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो में सिर्फ उल्टा उल्टा बनाई थी और इस वीडियो में एक उल्टा और एक सीधा का बॉर्डर बनाई हूँ। तो आप लोग अपने मन से यहाँ पर ऊपर आपको जितना मन हो वहाँ उस तरह से आप ये बॉर्डर कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बीच में भी आप लोग ये पीला उल ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग अपने मनपसंद कलर 2 कलर उल ले लीजिएगा, क्योंकि ये एक कलर में नहीं बनता है, 2 कलर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब ये आपका बॉर्डर बन जाएगा तो 2 सिलाई सीधा उल्टा बुनिएगा। फिर फ्रेंड्स, आपको फिर दूसरा कलर का उल ऐड करना है और आधे आपको भाग में फंदे को बांटना है, और 3 फंदे जब बीच में बच जाए तो आपको 1 फंदे उतारना है, और बीच में पीला कलर से आपको 9 फंदे उतार, 1 फंदे से 9 फंदे बनाने हैं, फिर 1 फंदे उतारना है और सारे फंदे को सीधा बुन लेना है। उल्टी तरफ में फ्रेंड्स सारे फंदे को उल्टा बुनिएगा और 1 फंदा जो वहाँ पर उतारा गया था उसको उतार लीजिएगा और फंदे को अपनी तरफ करिएगा। फिर आपको ये 9 फंदे जो हैं सो आपको उल्टी तरफ से सारे फंदे को सीधा बुनना है, फिर 1 फंदे को उतारना है, फिर बचे हुए फंदे को इस तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, 1 फंदे से आपको 9 फंदे बनाने हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार ये आपको फ्लावर बनाकर कंप्लीट करने हैं, और बीच में आपको 2 लाइन सीधा उल्टा रेड कलर से बुनना है, और फिर आपको ये 2 सिलाई फिर आपको पीला कलर से बुनना है। इस तरह जब आपका 5 लाइन पूरा हो जाए तो फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 90 फंदे बढ़ाने हैं। तो 1 फंदे इसमें आप लोग एक्स्ट्रा रखिएगा, तो ये फंदे आप लोगों को किसी भी सिलाई पर डाल सकते हैं। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्लावर बनने के बाद यहाँ पे 2 सिलाई उल्टा सीधा बुनी हूँ, और फिर सारे फंदे को आधे आधे भाग में बांटती हूँ, और आधे भाग में बांटने के बाद आपको यहाँ से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन जब ये आपका सीधी तरफ से दिखने लगे तो उल्टी तरफ से इसको 2 फंदे का एक करते हुए सारे फंदे को बंद कर देना है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, एक साइड आपका जब इसी तरह से बन जाए तो फिर दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह से इसको बनाना है। तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 1 सिलाई और हमको बुनना है, 2 सिलाई फिर इसको भी हम बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ये सॉक्स बनाइएगा, और इसके लिए आप लोग 50 ग्राम उल ले लीजिएगा। पीला कलर थोड़ा सा ही लगेगा, तो आप लोग बचे हुए उल का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सेम इसी तरह से आप लोगों को दूसरा पैर का भी सॉक्स बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी सिलाई जानना हो तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर वो आप लोगों को वीडियो नहीं मिले तो मैं आपको इसकी सिलाई कैसे करिएगा तो ये भी आपको मैं बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब ये आपका पूरा बन जाएगा तो इस तरह से देखिए आप लोग फोल्ड करिएगा यहाँ इस तरह से, और उल्टी तरफ में आपको फिर रेड कलर का उल सुई में डालना है, और यहाँ से आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इसकी सिलाई करना है। तो पहले यहाँ इसको लाइन बाय लाइन मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लीजिएगा इस तरह से, फिर आपको यहाँ पर इसकी लंबाई में यहाँ तक करना है, और यहाँ आपको 3 उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर छोड़िएगा, और सारे फंदे को यहाँ आपको इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ के सुई की सहायता से सिल लेना है। और फिर ये जब आपका इसको बस सिर्फ इस तरह से यहाँ पे कोना बनाना है, तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इस तरह से इसको आपको मोड़ना है, और ये दोनों साइड इसका मिला हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ आपको इस तरह से 3 उंगली नाप लेना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर इसकी इस दोनों को मिलाकर इसको सिलाई करना है। तो ये आपका अंगूठा बन जाएगा, और इस तरह से एक साइड में आपका उंगली, तो इसी तरह से ये आप अपने सॉक्स को पूरा करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को